और अब समाचार मौसम से संबंधित। प्रदेश में गर्मी का सितम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में यहां कूलर पंखों और एसी की दुकानों पर ग्राहक आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इस बार कोरोना लॉकडाउन के चलते ग्राहक की पिछले सीजन के मुकाबले काफी कम है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। सर, डिमांड है इसी की, जैसे कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि आज ही लगना चाहिए, लेकिन लेबर की जो है अवेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि आज ही लग पाना। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लग जाए। राजधानी जयपुर में गर्मी अपने जोर दिखाने लगी है। यहाँ का तापमान जो है 43 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में कूलर, फ्रिज और एसी की दुकानों पर जो है ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर डिमांड आ रही है लोगों की, और कैसे जो है पिछले बार से कैसा इस बार व्यापार है। डिमांड तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल ख़राब है इस बार, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं लोगों के पास। स्टॉक काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं है। अभी पिछले सीजन से तो 1% भी नहीं है, पिछले सीजन से ही मान लो कि केवल बहुत कम है इस बार का। कस्टमर के लिए आई रेट में माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आई रेट है उसमें हम माल निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ करने के लिए है नहीं, स्टॉक काफ़ी है, तो माल निकालना ही अगले साल तक, तो वैसे भी वो आउट ऑफ स्टॉक खड़ना ही है अगले साल। यहाँ इस दुकान पे आप ये देख सकते हैं कि ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहाँ पर जो है रस्सी बांधी गई है, ताकि ग्राहक जो है एक सोशल डिस्टेंस पर रहे और जो है उनमें जो है किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD News।